नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं मेरठ स्थित ओले की झाल पर, जो कि नेशनल हाईवे 58 से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेन गंगा नदी का पानी आ रहा है, जिसको खेतों की सिंचाई के लिए अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट कर दिया गया है। कुछ पार्ट दोस्तों इसका यहाँ देखने के लिए मिलता है, कुछ भाग यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर लोग नहाने के लिए आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग मेरठ से नहाने के लिए आए हुए हैं। ये लोग नहा के ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इनका तो प्रोग्राम समट गया है, लेकिन अब हमारा चालू होगा। इनसे पूछते हैं कब से आ रहे हैं, क्या इनका एक्सपीरियंस है, और भोले की झाल को लेके इनके क्या रिव्यू है, सारी की सारी बातें इनसे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे भाई लोग मोहनपुरी से आए हैं, इनसे पूछते हैं कब से आ रहे हैं। तो भाई लोग, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? सर, हमें कम से कम 8-9 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। अच्छा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आए हुए। अच्छा, पानी भी बहुत अच्छा चल रहा है, जल हमारा चल रहा है। हम हरिद्वार भी गए हुए थे। अच्छा, जल लेके भी आए हैं आप लोग? हम जल लेके भी आए हैं। अच्छा, हर साल आते जल लेके? हर साल चल। अरे वाह वाह, तगड़े वाले भोले हो। तो 2-3 साल तो जा नहीं पाए होंगे कोरोना के। जय भोले की, भगवान की जय। तो ये भोले के कैड़े वाले भक्त हैं। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, तो यहाँ पे जो बताते हैं कि यहाँ हादसे होते रहते हैं, वो क्या होते हैं? तो जैसा आप बता रहे हो 3 फीट पानी है, तो हादसे होने की तो उम्मीद है बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पे। सर ऐसा है, यहाँ पे जो हादसे होते हैं, ये पैनल है, ये बच्चे पैनल खोल देते हैं। अच्छा, चेक बाल जो होता है पानी का, वो खोलते हैं, उससे पानी बढ़ जाता है। किसी को पता नहीं होता और किसी को पता होता है। अच्छा, जिसको नहीं पता होता वो जाता है। तो अभी जो इसमें फिलहाल जो इसमें पानी दिख रहा है, ये कितने फीट पानी है? 3 फुट पानी, 3 या 4 फुट। बस, अरे वाह वाह, गजब। चलो भाई, भाई जंप मार रहे हैं हमारे, जंप मार रहे हैं भाई। अरे भाई देखिए देखिए दोस्तों, केवल इतना ही पानी है, टूरिस्ट वाले तो कहीं से कहीं तक भी कोई बात नहीं है। और अच्छा बताते हैं कि बिल्कुल ठंडा पानी आता है, सच है ये बात? बिल्कुल चिल्ड पानी आता है। इस समय बिल्कुल चिल्ड पानी है, एकदम चिल्ड पानी है। वो हरिद्वार वाला पानी है? हरिद्वार वाली बात। और भाई दोस्तों, ये तो बड़ी चमत्कार वाली बात है। अच्छा, अब ये वो जो पानी है वहाँ पे हादसे होते हैं, वो जहाँ पे बोले जो लोग वहाँ कूद जाते हैं? सर ये वो झरना है, छोटी सी झरना होता है, दो बोले छोड़ते हैं तो थोड़ा पानी घूमता है, तो वो गलत बात है। बोलों के लिए इतना पानी छोड़ रखा है, तो थोड़ा आगे ना लो अच्छा लगता है। हाँ। बच्चे अपने यही के गाँव के आयो अब्दुल्लापुर से? अच्छा, अब्दुल्लापुर से आयो, तो आते रहते हो यहाँ पे? कितने साल से आ रहे हो? मुझे हो गए कम से कम 5-6 साल हो गए भैया। अच्छा, मगर मजा आता है। नहीं मजा तो आता है भाई, मैं तो यहाँ पे कई साल पहले आया था। हम यहाँ सिर्फ नहाने आते हैं आराम से। यहाँ ये है कि नाव चैन से फालतू, मतलब जैसे हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है गले में पूल पे, और भैया कई बार तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे ये है बिल्कुल ताजा पानी है। अरे भाई पानी है, जो चलता हुआ पानी आता है वो बिल्कुल साफ होता है। स्विमिंग पूल का पानी होता है गंदा, वहाँ कोई टॉयलेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये चलता हुआ पानी है। आपने पैसे भी दो फालतू में, कोई वेस्ट करने वाली बात है अपने पैसे वाली बात है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये है बिल्कुल साफ पानी है, साफ नहीं, आप रेत कह सकते हो, रेत है। कैमरा तो काम नहीं करेगा पानी के अंदर? नहीं, मगर ये कहना है भोले की झाल आओ, बहुत बढ़िया बेहतरीन भोले की झाल आओ, मगर अपनी लिमिट में ना हो। पता लगा गहरे पानी में कूद गए। मेरी बात सुनो, आपको तैरना आता है तो आप कूदना 32 फोटे में। अन्य 32 फोटा कौन सा? आगे है। अच्छा, हाथ जोड़ गए, देखो हाथ जोड़ रहा हूँ, कभी मत पूछना। अच्छा, वहाँ कांड हो जाएगा क्योंकि वहाँ बनती है बिजली। अच्छा, हम कभी भी आते हैं या तो यहाँ नहाते हैं या आगे नहाते हैं, वो 3 फुटा है। हम 3 फुट ये भी तीन, ये भी 3 फुटा है, ये 6 फुट है। अच्छा, अभी नहीं घुल लगता। अच्छा अच्छा अच्छा, अब 3 फुट है, वरनी 6 फुट हो जाता है। पानी यहाँ इसमें निकलने के लिए क्या जुगाड़, कोई जुगाड़ नहीं है? नहीं, आगे जा रहा है, बह रहा है। अब तो नहरों में जाता है पानी, नहरों में आज में नहा रहा है, वो बाहर कैसे निकलेगा इससे 6 फीट में? नहीं निकले, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। 6 फीट तो कब चलता है 6 फीट पानी? ये आज तो खोल नहीं रखा, वैसे हम जब भी आता है खुला रहता है। अच्छा, 6 फीट कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे आराम से नहाते। 6 फीट खतरनाक है भाई साहब, हमें आता है ना तैरना। दोस्तों ये थे हमारे भोले जो यहाँ पे नहाने के लिए आते रहते हैं। तो बहुत अच्छा इनसे एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इन लोगों ने शेयर किया। तो कुल मिला के भोले की झाल अपने आप में, जो लोग नहाने धोने के मतलब क्रेजी हैं, जिनको तालाबों में नदियों में नहाना पसंद है दोस्तों, उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि एक तो यहाँ पर ठंडा पानी होता है और चलता हुआ पानी होता है, सीधा हरिद्वार वाला पानी आ रहा है।
तो इसलिए ये पानी बिल्कुल भी रिस्क वाला नहीं है, ना तबीयत खराब होती है ना कुछ होता। तो चलिए दोस्तों, बोले पूरी की पूरी भोले की जाल को कवर करते हैं और देखते हैं किस किस तरीके के यहाँ पे नहाने के जुगाड़ बनाए हैं, कहाँ कहाँ पानी कैसे कैसे निकलता है। ये देखो अब हमारे भाई लोग जंप मारने वाले हैं। चलो भाई हो जाए जंप, क्या बोलेगी। जय बोलेगी, जय बोलेगी। ये दोस्तों इन्होंने पूरा मौसम बना दिया है। जब हम आए थे बिल्कुल शांति छाई हुई थी, लेकिन जब अब सब लोग कूद गए हैं तो सच में अपना भी मूड बन गया है। बहुत बढ़िया ही साहब है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये पूरा आगे जाता हुआ, ये जो कौन सी जगह है, मुरादनगर की जो नहर है वो यही आगे निकलती है जी। अच्छा, ये वहाँ जाके जुड़ जाती है सर। हाँ अच्छा, तो वो ही है। चलो बहुत बढ़िया है दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सेम। ओके ब्रदर ओके, ये आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह पानी आता है यहाँ पे, इस तरह पानी के कचर को कंप्लीट किया जाता है, इस तरह पानी निकलता है आगे निकल रहा है। ये पूरा का पूरा 3 फीट पानी है। लाओ मैं आपको वो दे देता हूँ, मैं देख लूंगा ना वीडियो। शंकर हेड़े गाँव भाई जी, कहाँ से हैं आप? अच्छा, तो मतलब आप किस तरह की मूवीज बनाते हैं? बॉलीवुड, बॉलीवुड सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया यार भैया, ये तो बहुत अच्छी लाइन है यार। हम तो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है तो भाई अपना ठीक है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हम पीछे की तरफ आ गए हैं, यहाँ पूरा इस लेवल पर पानी होता है जिसको इन वाल्व को द्वारा, ये आप देख सकते हैं मेरे नियरेस्ट वाल्व, इस वाल्व के द्वारा कंट्रोल कर दिया जाता है। इसलिए ये जो इतना बड़ा पानी है वो छोटे से पानी में बदल जाता है। यहाँ कम से कम 8 से 10 फीट पानी है, जो कि वाल्व की वजह से अब 3 फीट आगे, यहाँ कम से कम 8 से 10 फीट पानी है जो कि इस वाल्व की वजह से आगे 3 फीट रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस पानी को कंट्रोल कर लिया जाता है। दोस्तों एक तरीका होता है ऐसे ही, सेम तरीके से यहाँ पर भी कंट्रोल किया हुआ है। और आप देख सकते हैं जो मेन नहर है वो यहाँ आप देख सकते हैं, पूरा टैग भी बनाया हुआ है, लेवल भी मेंशन किया हुआ है कितने लेवल पर पानी चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरे पीछे की तरफ पूरी बड़ी नहर आ रही है, और ये निशान भी यहाँ पर लगाया गया है 10 फीट का। दोस्तों यहाँ पर निशान भी देखने से पता लग रहा है 10 फीट गहरा यहाँ पे निशान है, और यहाँ पे इन वाल्व के माध्यम से यहाँ पे दोस्तों वाल्व पूरी की पूरी खोली गई है। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी वाल्व खुली हुई है, जिसके बाद पानी पूरा गड्ढों में गिरता हुआ जा रहा है। इस तरह दोस्तों यहाँ पे किया हुआ है पूरा सिस्टम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी इस तरह सीधा निकलता हुआ जा रहा है, ये पूरा पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ दोस्तों वो जहाँ पहले वीडियो हमने बनाई थी वहाँ पानी कट रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आ रहा है, पूरा पूरा बोला हुआ है, पूरी स्पीड से पानी की आवाज़ अब सुन सकते हैं, थोड़ा सामने आवाज़ आ रही है। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी यहाँ पर
पानी का लेवल भी देख सकते हैं, 10 फीट का लेवल है। ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त पानी आ रहा है। ये पानी का लेवल आप देख सकते हैं, 10 फीट दोस्तों पानी है, क्लियरली मेंशन यहाँ पर आ रहा है। इस तरह दोस्तों यहाँ पे पूरा पता लग रहा है कितना पानी है। ये आप गेट देख सकते हैं, यहाँ से दोस्तों इस तरह गेट है, फिर ये यहाँ से पानी इस तरह जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों खराब हो जा रहा है। इस तरह पानी है, बहुत ज़्यादा पानी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर जब भी पूछ जाएगा दूसरे रोड लग जाएंगे फट जाएंगे। पानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा आनंद का अनुभव कर पा रहा है। तो बोले कि जल दोस्तों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह है, यहाँ पे आपको ज़रूर ज़रूर आना चाहिए। ये दोस्तों सामने आप देख रहे हैं, ये गाज़ियाबाद के लिए रोड निकल रही है, गाज़ियाबाद 41 दो किलोमीटर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा ऊपर यहाँ का नज़ारा, पूरा हाईवे निकल रहा है। और ये आप बोले की जल देख सकते हैं कितना भयंकर यहाँ पर पानी आ रहा होकर दोस्तों यहाँ पे इस तरह आ जाती है, पूरा ये विस्तृत रूप ले लेती है। इस तरह आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गहरी ये नदी है, आगे है मुरादनगर की नहर के साथ मिल जाती है। ये सामने आप देख सकते हैं ये थाना जाननी है, और यहाँ पे
खाना पीने के लिए पेय भी बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था की गई है, कुलचे छोले वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सारा सारा सामान आपको यहाँ पर खाने के लिए मिल जाएगा। ब्रेड पकौड़े पकौड़े जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो ओवरऑल छोले की झाल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आपको फुल मज़ा आने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा सीन, और ये हाईवे पूरा दिल्ली के लिए निकल जाता है। ये दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा हाईवे सीधा मुजफ्फरनगर सहारनपुर से होता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब दोस्तों हमारी पूरी कवर हो चुकी हैं और अब हम नहा के आते हैं और देखते हैं। नाओ नाओ नाओ, जय श्री राम। हैं करो जंप करो, कोई बात नहीं, हो गई बात तो हो गई। हर हर महादेव। आज हम आ गए हैं भोले की झाल पर, और ये भोले की झाल का मेन पॉइंट है जहाँ पर बिजली भी बनती है, और बिजली बनने के साथ ही साथ यहाँ पर नहाने की व्यवस्था के लिए भी छोटा सा पानी काटा गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर बिजली बनती है और किस तरह पानी काटा गया। चलिए दोस्तों एक बार नज़र मार लेते हैं और इस पूरे के पूरे एरिया को अच्छे से कवर कर लेते हैं। दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है, यही भी दोस्तों बिजली बनाने का कार्य चलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा पानी जालों के माध्यम से और पूरी नदी का पानी इस बिल्डिंग के नीचे डायरेक्ट जा रहा है, और यहीं पर दोस्तों टरबाइन लगी है जहां पर दोस्तों पानी के माध्यम से बिजली बनती है। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विशाल नदी यहां पर आ रही है, ये सीधा हरिद्वार वाला पानी आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा तगड़ा पानी यहाँ पर आता है, और बहुत ही मोटी धार यहाँ पर आती है, और यहाँ पर उन बल्ब के माध्यम से इस पानी को दोस्तों डाइवर्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, और जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी कितना आ रहा है, और इस बल्ब के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर पानी को कम कर दिया गया है, और यहाँ से पानी इकट्ठा हुआ सीधा यहाँ पे थोड़ा सा पानी रह जाता है, और ये नहाने की व्यवस्था के साथ साथ दोस्तों सिंचाई का कार्य भी यहाँ पर किया जाता है। हाँ, इस तरह दोस्तों इस पानी को पूरा पूरा काट दिया गया है, और आप देखिए बल्ब होती है उन बल्ब को कैच करने के लिए यहाँ से कुछ दुरुस्त तरीका होता है जिसके माध्यम से वाल्व को होल बंद किया जाता है, जो भी करते हैं। आप देखिए पानी इस तरह दोस्तों आ रहा है, इस तरह पानी रखा हुआ यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ से उसका और इसका क्या सीन है इसका पता नहीं। ले लो यार हेलमेट ले लो, गायब हो जाते हैं हेलमेट गायब हो जाते हैं भाई साहब।
बेटा वो कहाँ चक्की घूमती है, चक्की घूमती है कहाँ है वो पता है? भाई चक्की कहाँ हूँ मैं यहाँ पे? यहाँ नहीं है? नहीं भाई, यहाँ क्या है? जहाँ पर हम बना रहे थे, यहाँ तो कोठी है, वैसे ही खाली जंगल था। अच्छा यहाँ बता रहा था बंदा? आओ नहीं वहीं पे। अच्छा आ जाओ पीछे। ये आप देख सकते हैं ये बिजली घर है जहाँ पर बिजली बनती है, और इससे पहले जो जाल लगे हैं इस जाल में आने वाली सब्जियां वगैरह जो इस जाल को ब्लॉक कर देती हैं उनको निकालने के लिए इस तरह के डंडों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह जैसा आप देख सकते हैं इस तरह ये जाल में फंसे हुए कचरे को निकाल रहे हैं ताकि पानी बिना किसी अवरोध के अंदर जा सके। ये आप देख सकते हैं इस तरह कचरा बाहर आता है, इन्होंने निकाल लिया, ये इनका जुगाड़ होता है। और ये पूरी गंगा नदी आप देख सकते हैं, पूरी विशाल ये नदी है, दूर दूर से लोग आ रही है। इस तरह दोस्त यहाँ पर ध्यान वगैरह आपने देखी ली थी, और आप देखिए इस तरह दोस्त एक प्रोसेस करके निकालते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह अंजाम दिया जाता है। ये देखिए दो बंदे मिलकर निकाल रहे हैं इसको इस तरह दोस्त, या इतनी सब इतना इन्होंने माल पानी इसमें से निकाल दिया। और ये दोस्त दरवाजे हैं बड़े बड़े जिनके थ्रू पानी को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये भोले की छाल है, यहाँ पर पूरी बिजली प्रक्रिया चल रही है, और ये बिजली घर है जहाँ पर बिजली प्रोड्यूस की जाती है। अब हम अंदर जाएंगे और अंदर से जाके इसको कवर करेंगे और देखेंगे किस प्रकार। अच्छा